बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हालांकि आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हैं प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, लेमन जूस, चावल भी भिगो लिए हमने और पाउडर मसाले हैं। सुरख मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला, साबुत मसाला, काली मिर्च और नमक, ये सारे पाउडर मसाले हमने एक एक चम्मच ले लिए हैं। आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चिकन, ये वाला बिरयानी मसाला है और 3 पाव चावल है, 3 प्याज लिए हैं हमने और 3 पाव ही चिकन है, 2 टमाटर लिए थे उसका हमने पेस्ट बना लिया, 3 हमने लेमन लिए थे उसका जूस निकाल के लहदा कर लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया है इसके लिए हमने लिया है 1 लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 6 हरी मिर्चें। चले जी हम अब अपनी रेसिपी तैयार करनी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम पकाना शुरू करते हैं। पहले हम ऑयल लेंगे, तीन खाना पकाने वाले चमचे हमने ऑयल ले लिए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे तब तक पकाएंगे। प्याज हमने गोल्डन करके निकाल दिए, अब हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। और इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें अब हम पाउडर मसाले डालेंगे, टमाटर पेस्ट डाल देंगे, दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था। चिकन को 2-3 मिनट भून लिया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने गोल्डन करके निकाल दिया था उन्हें फ्राई करके। इसमें अब हम लेमन जूस डालेंगे और साबुत हरी मिर्चें, 1-2 मिनट भूनेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 4 गिलास। बॉयल आने तक हम इसे पक
बनाएंगे। पानी हमारा उबलने लग गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जब तक हमारा पुलाव दम लग रहा है तब तक मैं दिखाती हूँ उसने क्या कर रहा है। नैन क्या कर रहे हो? नैन इधर बैठ के पढ़ रहा है। पंद्रह मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए, माशाल्लाह से दम हमारा लग चुका है बहुत अच्छे से, खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। पुलाव हम डिश आउट करके ले आए हैं। माशाल्लाह से खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। साथ में इसमें हमने इसके साथ सैलड तैयार की है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।